हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रस्टेड चैनल। मैं आज आपको लेके आया हूँ गोवा का और एक फेमस प्लेस में, जो है डोनापल। और डोनापल में अभी फ़िलहाल क्या कंडीशन है, करंट सिचुएशन क्या है, उसका सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथों साथ अभी डोनापल में क्या क्या चीज़ ओपन है उसका भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और साथ साथ थोड़ा बहुत मुझे जो डोनापल के बारे में जो हिस्ट्रिकल पॉइंट मालूम है वो मैं आपको शेयर करूँगा दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है डोनापल बीच का एंट्रेंस। तो आप लेफ्ट साइड में देखिएगा, यहाँ पे आप टू व्हीलर पार्किंग कर सकते हैं। और आगे देखिए, राइट साइड में आपको फोर व्हीलर, सामने आपको फोर व्हीलर पार्किंग का जगह है, यहाँ पे आके आप अपना फोर व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, आप डोनापल में आए हैं और आप वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो आप यहां पे आके वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। डोनापल का जो जेटी है, इस जेटी में आपको वाटर स्पोर्ट्स का ऑप्शन है, जो है सेंट एंथोनीस वाटर क्रूज है डोनापल में। तो आप देख सकते हैं, अब जेट स्की राइड करना चाहते हैं तो 400 रुपीज़ पर पर्सन है। फैमिली बोट जो है 2000 रुपीज़ का है। पैरासीलिंग जो है 1500 पर पर्सन है। बनाना राइड 400 पर पर्सन है। बम्पर राइड 500 पर पर्सन है। और डॉल्फिन ट्रिप 6000 है। और आइलैंड ट्रिप जो है वो 8000 है। तो आप यहाँ पे आके भी आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये है जेट्स की, आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको टिकट लेना होता है, टिकट लेके आप नीचे जा सकते हैं। नीचे जाके आपको यहाँ से आप वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो ये वाटर स्पोर्ट्स का एंट्रेंस पॉइंट है। दोस्तों, आप डोनापल में है और आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो डोनापल बीच के पहले ही आपको ऊपर जो एरिया है, यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉपिंग का दुकान मिल जाता है। तो आप यहाँ पे आके आप शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे शॉप्स है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कितना वैरायटी टाइप्स ऑफ क्लॉथ यहाँ पे अवेलेबल है। आपको इस साइड में भी आपको कैप्स बैग मिल जाएंगे, आपको लेना चाहेंगे तो आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे आएंगे तो ये जो क्लॉथ्स है, ये आपको नॉर्मली जो गोवन ट्रेडिशनल क्लॉथ्स है उस टाइप का क्लॉथ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वो आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकता है। वेस्टर्न कल्चर क्लॉथ भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है तो वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ का जो क्लॉथ का प्राइसिंग है, एकदम रीज़नेबल प्राइसिंग है। आपको उतना ये लगेगा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है। आप यहाँ आके अच्छा खासा आप शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, जो डोनापल बीच है ये और डोनापल जो जेटी है, ये पंजिम सिटी से अराउंड 4 to 5 किलोमीटर दूरी पे है। तो आप ये जे जेटी में आना चाहते हैं तो पंजिम सिटी से आपको बस मिल जाएंगे। आपके पास खुद का सेल्फ ड्राइव कार होगा तो कार से भी आ सकते हैं, जो ऐसा मैंने आपको दिखाया था वीडियो में कहाँ पे कार पार्किंग कर सकते हैं। आपके पास टू व्हीलर होगा तो टू व्हीलर से भी आप आ सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था कि जो डोनापोलो का जो हिस्ट्रिकल पॉइंट, डोना जो है ये पुर्तगीज लेडी है, जो यहाँ पे जब गोवा में जब पुर्तगीज रूल करते थे तो उनके जो किंग्स थे, उनके जो बेटी है उसका नाम है डोना। और यहाँ पे जो गोवा में बहुत सारे मछुआरा होते थे, तो जो मछुआरा है वो मछुआरा में से का जो लड़का था उसका नाम था पॉल। तो दोनों के बीच में
लव कनेक्शन था, और जो लव कनेक्शन था तो इन फ्यूचर में जो पुर्तगीज किंग थे उन्होंने मना नहीं, तो दोनों ने, डोना और पॉल दोनों ने इस पॉइंट पे सुसाइड किया था, तो इसीलिए इस जगह का नाम रखा गया डोना पाउलो। दोस्तों आप डोना पॉल में आइए हैं और आपको फ्रेश लाइम जूस वगैरह लेना है तो फ़िलहाल अभी बीच के साइड में ही आपको 2-3 काउंटर मिल जाएंगे जहां से आप फ्रेश लाइम जूस वगैरह ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गोवा में आइए तो गोवान जो ऑथेंटिक कोकम सिरप है वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, लींबू सोडा कोकम सिरप ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए यहाँ पे आके। दोस्तों जो डोना पॉल है ये भी एक गोवा का फेमस शूटिंग स्पॉट्स भी है, यहाँ पे बहुत सारे मूवी का शूटिंग भी किया गया है, जैसा सिंघम पिक्चर का शूटिंग यहाँ पे किया गया है, एक दूजे के लिए मूवी का भी शूटिंग यहाँ पे किया गया है। दोस्तों तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मैं जहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उस एरिया में सिंघम का जो एक एक्शन सीक्वल उस जगह पे किया गया है, और जो डोना पॉल के जहाँ पे स्टैचू है स्टैचू के ऊपर पोजीशन में आपको आप एक दूजे के लिए मूवी देखे होंगे तो उस जगह का शूटिंग वहाँ पे किया गया था। तो दोस्तों तो आप ये जगह पे आके ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों जो मेरे सामने जो आपको दिख रहा है एरिया दिख रहा है वो एरिया को बैंगनिंग बीच एरिया बोलता है, आप उस जगह को भी बहुत सारे लोग सिद्धार्थी गोवा का बीच एरिया भी बोलता है, तो आप यहाँ पे आ रहे तो आप इस जगह भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप देखिए कितना अभी जो यहाँ पे डोना पॉल में कितना सारे बोट्स रखे गए हैं, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू हो गए हैं, तो मैंने आपको पहले ही दिखाया हूँ कि वाटर स्पोर्ट्स का डोना पॉल में क्या चार्जेस है, उसका सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले दिखाया हूँ, तो आप यहाँ पे आके वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ आके वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। दोस्तों और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पर बहुत बार आया हूँ डोना पॉल में इवनिंग टाइम में, अभी नहीं कोविड से पहले, तो नॉर्मली इवनिंग टाइम में यहाँ पे आपको बहुत सारे लोकल्स आपको फ़िशिंग करते हुए दिख जाएंगे डोना पॉल बीच के ऊपर, तो वो एक चीज़ है। और दूसरा और एक चीज़ आपको डॉल्फिन भी देखने को मिल जाता है अब डोना पॉल बीच के, डोना पॉल का जो पोर्ट जेटी है, जेटी के जहाँ पे डोना पॉल का स्टैचू है उस जगह पे आप जाएंगे तो वहाँ से आपको समंदर की तरफ देखेंगे तो आपको इवनिंग टाइम में डॉल्फिन भी आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो कमेंट के थ्रू बताइएगा, और मेरा चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा मैं गोवा का और एक जगह में, तब तक के लिए आप खुश रहे मस्त रहे, बाय बाय।